कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर में नए जश्न को लेकर, नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस विभाग ने हादसे को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नशेबाजों और हुड़दंगियों पर कार्रवाई को लेकर बैठक भी हुई। एसएसपी ने थानेदारों की बैठक बुलाकर दिशा निर्देश दिए हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव रोकने के लिए सड़कों पर मुस्तैद रहेगी पुलिस। हुड़दंगियों और नशेबाजों पर पुलिस सख्त पहरा रखेगी। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर ये चेकिंग की जाएगी। तो नए साल का जश्न खूब मनाइए, लेकिन संभल कर। नीरज अवस्थी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर कानपुर से मौजूद हैं। नीरज, ये बताइए किस तरीके की तैयारियां और नए साल के जश्न में पहले क्या कुछ होता था जो एहतियातन अब इतने बड़े कदम उठा रही है पुलिस? देखिए कुलदीप, आपको बता दूं, आम के पिछले कई सालों से तमाम बार देखने को मिला है कि रात में, नए साल के जश्न में, जो बाइक सवार है वो तेजी से बाइक चलाते हैं, कई बार शराब पी के कार ड्राइव की जाती है, जिससे हादसे सामने आते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर जहाँ पे पार्टियां होती है न्यू ईयर की, वहां पे भी हंगामा बवाल देखने को मिला है, जो नशेबाजों द्वारा या हुड़दंगियों द्वारा किया गया। तो इसको लेके कानपुर एसएसपी अनंत देव ने आज बैठक बुलाई है सारे महत्वों के साथ में, और मीटिंग की है। उसको साफ निर्देश दिए है कि रात में शांतिपूर्वक चेकिंग की जाएगी, उन लोगों को कतई परेशान नहीं किया जाएगा जो लोग ठीक तरीके से जा रहे होंगे, लेकिन जो लोग तेज ड्राइव कर रहे होंगे, तेज गाड़ी चला रहे होंगे, तो उनकी चेकिंग की जाएगी। जिन लोगों ने शराब की रखी होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और नए साल में जोश जरूर दिखाएं, लेकिन पूरे होश के साथ ये मैसेज दिया है पुलिस ने। बहुत शुक्रिया आपका नीरज।